कुछ आप सामने रखे हैं अपनी बातें? देखिए, वर्तमान में नगर निगम के चुनाव होने जा रहे हैं और नगर निगम के अंदर हम लोगों ने पहले से भी आंदोलन कर रखा था कि मकान टैक्स हाफ होना चाहिए, जलकर माफ होना चाहिए और काशी निरोग की व्यवस्था होनी चाहिए, मतलब वातावरण यहाँ का शुद्ध होना चाहिए। इन्हीं चंद शब्दों मतलब इन्हीं बातों को लेकर आंदोलन लगातार हमारे बहादुर आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कर रहे थे, हम लोग भी साथ में अपनी अपनी भूमिका निभा रहे थे। लेकिन अब चुनाव होने जा रहे हैं, 5 साल के बाद नए सिरे से जनता को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार मिलने जा रहा है, तो हम लोगों ने एक तीसरा मोर्चा बना रखा है जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बहादुर आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र गांधी को जी को बनाया गया, जो मेरे दाहिने तरफ बैठे हुए हैं। हमारे बाएं साइड में धर्मेंद्र भैया बैठे हुए हैं, राष्ट्रीय पूर्वांचल नवनिर्माण पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है और मैं गांधी एकता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। हम लोगों ने देखा कि छोटे छोटे जो दल हैं वे एक ग्रुप होकर के एक प्लेटफार्म बनाकर जब जनता के हितों की लड़ाई लड़ते हुए लोकतंत्र की जो पहली सीढ़ी होती है, पार्षदी होती है, प्रधानी होता है, क्षेत्र पंचायती होती है, उस चुनाव को हम लोग अपने दमखम के बल पर लड़ा जाए और जनता के हितों की लड़ाई लड़ते हुए अच्छा प्रतिनिधि दिया जाए, इसी क्रम में हम लोगों ने तीसरा मोर्चा बना करके नगर निगम के चुनाव में आ तीसरा मोर्चा बनाकर कहीं राष्ट्रीय पार्टी को लाभ तो नहीं पहुँचाएंगे? किसी को लाभ होगा, किसी के हानि से मेरा तात्पर्य नहीं है। हमारा तात्पर्य है कि हम अपने मोर्चे के प्रत्याशी को विजय श्री दिलाएं, अपने मोर्चे के मेयर को विजय श्री दिलाएं और जहां तक हो सकेगा पूर्वांचल में हम लोग जहां भी हो लड़ाएंगे, अपने प्रत्याशी को जिताने का भाव रहेगा और अपने प्रत्याशी के लिए क्या एजेंडा रहेगा लोगों के बीच लेकर जाएंगे? क्या एजेंडा? स्थानीय एजेंडे रहेंगे और नगर निगम के चुनाव में इसे जौनपुर का एजेंडा कुछ हो सकता है, सोनभद्र का एजेंडा कुछ हो सकता है, नगर निगम की समस्या में मूल एजेंडा हम लोगों के रहेंगे। बनारस में जैसे मकान टैक्स हाफ होना चाहिए, जब आपका पानी टैक्स माफ होना चाहिए, स्वच्छ काशी होनी चाहिए, सुंदर काशी होनी चाहिए, निरोग काशी होना चाहिए, मतलब जनता निरोग हो। ये सब तो काम चल रहा है, चल रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ नहीं चल रहा है, लेकिन सवाल है कि जनता उससे कितनी लाभ प्राप्त हुई है, इस पर भी गौर करना पड़ेगा। कौन से ऐसे मुद्दे लग रहा है कि हमें आने पे और ये जल्दी काम किया जाए और ये बहुत जरूरी है? देखिए, जनता को मूल मुद्दा रोजगार सृजन का है, जो रोजगार जिनके पास नहीं रहेगा उनके लिए सारी समस्या ही समस्या होती है, तो जनता को रोजगार सृजन होना चाहिए। जनता को जिसे छोटे छोटे नगर निगमों में ठेले हैं, खुंचे वाले हैं, उनके लिए बहुत बड़ी समस्या काशी के अंदर बनी हुई है, वो सड़कों पर दिन भर भटकते रहते हैं, जब तक उनकी समस्या का अस्थाई समाधान नहीं होगा तब तक काशी की समस्या का निराकरण। बेरोजगारी को लेकर के काफी लोगों ने धरना